नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी राहुल के फ्लाइंग किस फसाद पर बोली नीतू सिंह की। राहुल गांधी के साथ अधीर रंजन निलंबन पर इंडिया मार्च की बात करेंगे। जलगांव में पत्रकार पर हमले की बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को दिए बड़े चैलेंज की बात करेंगे। जालंधर सांसद ने खुद को जकड़ा जंजीरों की। साथ ही जानेंगे राघव चड्ढा राज्यसभा से सस्पेंड, संजय सिंह के बड़े निलंबन की। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधे निशाने की। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर दिन की जा रही तैयारियों की। मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी की और आखिर में बात करेंगे सीएम योगी ने अखिलेश पर कसे तंज की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कथित रूप से फ्लाइंग किस देने के विवाद में अब नया विवाद जुड़ गया है। बिहार से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा है कि राहुल गांधी के पास फ्लाइंग किस देने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अगर उन्हें किसी को फ्लाइंग किस देना होगा तो वे स्मृति ईरानी जैसी 50 साल की किसी बूढ़ी को क्यों देंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कि हमारे नेता को हमेशा बदनाम करती हैं स्मृति ईरानी जी। सदन में चर्चा हो रहा था, सरकार उनकी है, स्पीकर उनका है, प्रधानमंत्री उनका है। अगर फ्लाइंग किस राहुल जी उनको दे रहे हैं तो वो कैसे समझ गए कि हम ही को राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। उस सदन में और सारी भी महिलाएं हैं। और कल हेमा मालिनी जी का बयान आया था, उनसे प्रेस वाला पूछा कि जब फ्लाइंग किस राहुल जी दे रहे थे तब देखी थी तो बोली कि नहीं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट हो रहा है कि मेरे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रचा जा रहा है। और मैं ये भी बोली थी कि हमारे नेता जो हैं अभी तक शादी नहीं किए हैं। इस भारत देश में लड़कियों की कमी नहीं है। राहुल जी अभी भी चाहेंगे तो किसी लड़की से शादी कर सकते हैं। यही तो मैं बोली थी। नहीं, आपने उनको बुढ़िया भी कहा 50 साल की। क्या उस मेरी उम्र 50 साल है तो हमको कोई आंटी कह दे, कोई बूढ़ी कह दे तो रिएक्ट नहीं होना चाहिए। यही तो मैं बोली थी कि फ्लाइंग किस भी अगर करना होगा तो किसी लड़की को करेंगे, ये 50 साल की उम्र की बूढ़ी को क्यों करेंगे। नहीं, लेकिन हमने देखा कि जो वीडियो था, वीडियो में जो राहुल गांधी रिएक्ट कर रहे थे वो चेयर के तरफ था, लेकिन बीजेपी के महिला सांसदों ने एक लेटर लिखा बजाता, उसमें कई महिला सांसदों का साइन था और वो फिर उस पर आगे प्रोसीड्यूडिंग के लिए आगे लेटर जारी किया गया। इसमें क्या लगता है आप लोगों को? इसमें जांच करा ले, अगर राहुल जी ऐसा किए हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्रवाई से नहीं डरते हैं। हाल ही में कार्रवाई मेरे नेता पे हुई थी, उनका सदस्यता तक खत्म कर दिया गया था, उनका घर भी छीन लिया गया था, लेकिन कोर्ट से हम लोग को जीत मिली और फिर उनका सदस्यता बहाल हुआ और वो सदन में गए। तो हमारे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रची जाती है। कहीं ये आप ये तो नहीं देख रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का क्लैश अमेठी से चलता आ रहा है। अमेठी सीट पर राहुल गांधी हार गए थे, स्मृति ईरानी वहां से सांसद है, तो क्या इसको लेकर भी कुछ हो सकता है? अपने को हाईलाइट करने के लिए, सहानुभूति बिटोरने के लिए ऐसा अनर्गन अनर्गन मुद्दा उठाते रहती हैं स्मृति ईरानी जी। तो आप जो बयान दे रही है, राहुल गांधी अक्सर विदेश जाते हैं, उनके विदेश के दौरे को लेकर बीजेपी उन पर काफी अटैकिंग होती है। विदेश तो हर नेता जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो राहुल जी पर ही अटैक क्यों होता है? ये भाजपा के नेता मंत्री लोग विदेश नहीं जाते हैं क्या? ये लोग क्या करने जाते हैं कि हमेशा हमारे नेता पे अटैक किया जाता है, हमारे नेता को बदनाम किया जाता है? उनका मामू घर है इटली, उनका परिवार है वहाँ, तो वो इटली जाते हैं, अपने नानी के परिवार से मिलने जाते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी नेपाल के एक क्लब में थे, बीजेपी ने उस वीडियो को ट्वीट कर दिया था, एक महिला के साथ थे। तो आपको नहीं लगता है कि आपके इस बयान के बाद फिर से भाजपा अटैकिंग हो जाएगी राहुल गांधी को? भाजपा के नेता लोगों तो इतना घटिया घटिया वीडियो वायरल होता है भाजपा नेताओं के साथ, लड़की के साथ, महिला के साथ, तो उसका कार्रवाई नहीं होता है? उस पर भी तो कार्रवाई करना चाहिए। मणिपुर में इतना बड़ा घटना घटी, वहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ के महिलाओं को नंगा किया जाता है, परेड कराया जाता है, रेप किया जाता है,
तो उस पर स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोलती हैं? अगर महिला के हितैषी हैं, महिला के बारे में वो कुछ अच्छा सोचती हैं, तो महिला पर घटना घटे उस पर भी उनको कुछ बोलना चाहिए। वो हमेशा राहुल जी को बदनाम करने के लिए राहुल जी पर ही टारगेट क्यों करती हैं? एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी की सीट को तो स्मृति ईरानी ने जीत लिया, अगर फिर से 24 में अगर राहुल गांधी अमेठी कंटेस्ट करते हैं स्मृति ईरानी से, तो क्या लगता है आपको, क्या बुरी तरह स्मृति ईरानी जी हारेंगी और राहुल जी जीतेंगे? वहां के जनता से जाके आप सर्वे करा ले। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन के विरोध में विपक्ष गठबंधन इंडिया ने संसद परिसर में मार्च निकाला। प्रदर्शन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल हुए। निलंबन के विरोध में INDIA के सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। अजित पवार बोले, आपने जो मुद्दा मेरे संज्ञान में लाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं मामले का संज्ञान लूंगा और पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से बात करूंगा, घटना की जानकारी लूंगा और इसकी भी जानकारी लूंगा। मला मी आज सकाळपासून वेगवेगळ्या आपल्या रिसोर्सेस मोबिलायझेशनच्या करता मी आज दिवसभर म्हणजे इथं येईपर्यंत सह्याद्रीला होतो। मला त्याबद्दल यत्किंची काही माहिती नाही। वास्तविक माझं तिथलं काम झाल्यानंतर मी देवेंद्र फडणवीस पण काही मीटिंगच्या निमित्तानं त्यांच्या चेंबरला सह्याद्रीला त्यांनी चेंबर केलं तिथं होते, परंतु तिथं वेगळ्या विषयावर आमच्या दोघांची चर्चा झाली, नंतर मी इथं डायरेक्ट आलो। आता तुम्ही हा मुद्दा काढताय, खरं तर त्याबद्दल यत्किंचितही मला माहिती नाही, पण ही बाब अतिशय तरी असली तर गंभीर आहे। त्या संदर्भातली नोंद सरकार म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी घेतलीच पाहिजे। आज राज्याचे प्रमुख हे काहीतरी दौऱ्यावर त्या ठिकाणी गेलेले, मी त्यांच्याशी पण संपर्क साधीन आणि कुठल्याही राजकीय पक्षाची व्यक्ती असले, कार्यकर्ते असले, तरी या देशातले जे चार स्तंभ आहेत त्याच्यातला महत्वाचा स्तंभ हा आपला पत्रकारिता आहे, त्यालाही कुठेही अशा प्रकारे धक्का लागता कामा नये किंवा मारपीट होता कामा नये, ही अतिशय निषेधार्य बाब आहे। पण मी पुन्हा सांगतो की मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून आता तुमच्याशी बोलून ज्यावेळेस गाडीत बसेल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश कुमार को अनपॉपुलर नेता बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश किसी तरह के चुनाव लड़ें वे हार जाएंगे। उन्हें मेरा चैलेंज है कि वे विधानसभा भंग करके दिखाएं। लोकसभा चुनाव तो बाद में होगा, आज आप विधानसभा में चलिए और विधानसभा भंग कीजिए और जनता के बीच चलिए, आपका भी जमानत जब्त होगा। देखिए, फिर लगता है वो बातें भूल गए। पिछले कई दिनों से लोकसभा का सत्र चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री देश में है, ये लगता है कि नीतीश कुमार जी को भूलने की आदत हो गई है। अब बिहार में हमको लगता है कि अब संवैधानिक संकट खड़ा होता जा रहा है कि नीतीश जी कोई ये याद ही नहीं है कि कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, कोई दूसरा नहीं बोल रहा था। अविश्वास प्रस्ताव पर स्वयं प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, इसका मतलब उनका याददाश्त पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब हमको पूरी तरह हम लोगों को चिंता करनी पड़ेगी। आज शहीद दिवस है, देश के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, हम लोग आज संकल्पित होना चाहते हैं कि देश को श्रेष्ठ बनाना है। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम है, पूरा नए जोश के साथ अब नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह समाप्त करने के लिए 24 और 25 की लड़ाई हम जीतेंगे, इसकी पूरी तैयारी शुरुआत कर। यादव ने कहा है कि जिस तरह से बिहार से आप लोगों को दखल किया गया था, उसी तरह 2024 में भी किया जाएगा, कहा एजेंट लगाया हुआ था। नीतीश जी ने कहा कि आप लोगों ने एजेंट लगाया था 2024। देखिए नीतीश कुमार जी अब अनपॉपुलर हो चुके हैं और नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो चुके हैं।
अब वो किसी तरह का चुनाव लड़े। हम तो चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी, आपको दम है तो विधानसभा भंग कीजिए, लोकसभा चुनाव तो बाद में होगा, आज लोग विधानसभा भंग कीजिए और जनता के बीच चलिए, आपका भी जमानत जब्त कराने का काम बिहार की जनता को। अरे ये सपना देखने दीजिए, अब नीतीश कुमार जी का खाता खुलने वाला नहीं है बिहार में। कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कहा है लेकर विवादित बयान दिया है, एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं घोर निंदा करता हूं जिस तरह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है, वो स्पष्ट दिखलाता है कि इस देश में लोकतंत्र में कांग्रेस को भरोसा नहीं है। पंडित नेहरू के नाती होने से, इंदिरा गांधी जी के पोता होने से और राजीव गांधी जी के बेटा होने से सत्ता नहीं मिलने वाली है, और इसी के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने अभियान शुरू किया है। ना तुष्टिकरण चलेगा, ना परिवारवाद चलेगा। कह रही है कि फ्लाइंग किस देना होगा राहुल गांधी को, तो 50 साल की बुढ़िया को देंगे। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि किसी महिला का अपमान कर रहे हैं। और ठीक ही किया था लोअर कोर्ट अहमदाबाद ने, हाई कोर्ट अहमदाबाद ने कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की थी, ये उस लायक है ही नहीं कि लोकसभा में बैठ सके। उसमें प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं और जब सदन चलता है तो घूमते रहते हैं। किस मुद्दे पे वो नहीं कहे? देश के गृह मंत्री जी का प्रभार है लॉ एंड ऑर्डर, उस पर गृह मंत्री जी ने जवाब दिया मणिपुर पे पूरी समस्या पर, और देश की समस्या पर प्रधानमंत्री जी ने बताया। और नीतीश जी भूल गए होंगे, उनको याद नहीं था कि कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, कल प्रधानमंत्री जी ही बोल रहे थे। नीतीश बाबू याद कर लीजिए, इस मॉडल की तारीफ आप लोग करते हैं योगी मॉडल की, योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में कहा है कि जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है वहाँ यूपी में। देखिए, तारीफ नीतीश कुमार की इसके लिए कोई नहीं करता है, उन्होंने आग्रह किया, उस आग्रह को हमने माना, भारतीय जनता पार्टी ने माना और कैबिनेट में बैठकर इसको पास किया। राजद वाले क्या बोलेंगे? राजद वाले सरकार में थे क्या? उसी तरह बोलते हैं जिस तरह लालू प्रसाद जी ने 15 साल में किसी गरीब को, किसी पिछड़े को, किसी स्वर्ण को, किसी दलित को कोई आरक्षण देने का काम नहीं किया। लगातार कह रहे हैं कि 3 नंबर की पार्टी जदयू है, नीतीश कुमार ने कहा है उन लोगों को ज्ञान नहीं है। अरे खाता नहीं खुलेगा नीतीश बाबू का, एकदम स्पष्ट रहिए, नीतीश कुमार जी का 2024 और 25 में खाता खोलने पे मुश्किल कर दूंगा। उन्होंने तो कहा 2010 में हम सबसे बड़ी पार्टी इतिहास में थे, भाजपा के कृपा से, भाजपा के कृपा से नीतीश बाबू बड़े थे, अब भाजपा ही कृपा करेगी और उनको जीरो पे आओ। जालंधर से सांसद सुशील रिंकू दिल्ली में संसद में भवन के बाहर धरने पर बैठे हैं। संसद में दिल्ली सेवा बिल की कॉपियां वेल में आकर फाड़ने के कारण उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। शुक्रवार को उन्होंने केंद्र सरकार के विरोध का नया तरीका अपनाया, अपने आप को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर आजाद करो आजाद के नारे लगाए। मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा। सभापति जगदीप धनखड़ ने आप को 2 सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह पर कार्यवाही की। राघव को नियमों के घोर उल्लंघन और अमाननापूर्ण आचरण के लिए उस सदन से निलंबित कर दिया गया, जबकि संजय सिंह का निलंबन बढ़ा दिया गया। आम आदमी पार्टी के इन दोनों सांसदों का निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक विशेषाधिकार समिति सदन में उनके अनुचित व्यवहार पर निर्णायक रिपोर्ट नहीं ला देती। Taking a holistic view on the gravity of his misdemeanor, violation of rules, defiant attitude and inappropriate conduct, I find it expedient invoking Rule 266, read with Rule 256, and suspend Sri Raghav Chadha, member from the service of the council, till the council has the benefit of the report of the by the Committee of Privileges. Taking a conspicuous view of his continued misconduct, violation of directions and blatant disregard of his the rules of the House, I find it expedient to refer the matter as indicated earlier to the Committee of Privileges. Further, I invoke Rule 266,
read with Rule 256 that suspension order dated 24 July 2023 in respect of Shri Sanjay Singh may continue beyond the current session till the Council has the benefit of recommendation by the Committee of Privileges. Honorable members, when someone gets into Parliament, it's a historical achievement. And when someone gets into the upper house, Council of States, House of Elders, as compared to Lok Sabha, the term is 6 years. This house is ever in continuity, unlike Lok Sabha. Then it's a privilege, an honor to be ever remembered. If in this house we fail to live up to the highest expectations of the people, framers of the Constitution, we are abdicating our constitutional obligation. सपा नेता अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में सीएम योगी को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने इस दौरान महंगाई, बिजली, बाढ़, सूखा आदि के मुद्दों पर निशाना साधा। इसके अलावा परिवारवाद को लेकर भी अखिलेश यादव ने सीएम योगी को आड़े हाथों लिया। और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है, ये दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा। और अब इन चार से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। कोई मान्य सदस्य ऐसा नहीं जिसने सूखा पर और बाढ़ पर चिंता व्यक्त न की हो। कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसने सूखा और बाढ़ पर अपनी बात न रखी हो, क्योंकि वो जब क्षेत्र में जाते हैं, कुछ सदस्यों के क्षेत्र में बाढ़ बहुत है, कुछ सदस्यों के क्षेत्र में सूखा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? ये अगर आप सूखा और बाढ़ का नियंत्रण नहीं रखेंगे और लॉन्ग टर्म कोई प्रोग्राम सरकार के पास नहीं होगा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से पैटर्न क्लाइमेट का बदल रहा है और जिस तरीके से बरसात हो रही है, हमने आपने देखा हिमाचल की बरसात को, ये पहले नहीं होता था क्लाउड बस्ट हो जाए, अब तो नई चीज हो गई, क्लाउड बस्ट हो रहा है, एकदम पानी गिरता है और हमारी नदियों की कैपेसिटी नहीं है कि हम उतना पानी ड्रेन कर सकें, हमारे नालों की कैपेसिटी उतनी नहीं कि हम पानी को ड्रेन कर सकें, और उसका परिणाम क्या है, वहां के आसपास का नुकसान बड़े पैमाने पर। हिमाचल की जो तस्वीर देखी, हिमाचल से जो शुरुआत हुई बाढ़ की, वो हमारे दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद के इलाके में चली गई और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तमाम नदियों में बाढ़ आ गई, तमाम बाढ़ आ गई वहां पर नदियों में, नुकसान हुआ। कह रहे थे ई प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मार्केट देंगे हम फार्मर्स को, और आपने तो सस्टेनेबल गोल्स पर एक बहस की थी पूरी रात भर जग करके, और कहते थे कि हम तो उनका भर देंगे, क्या जेब भर देंगे। और बिजली पे तो अभी हम बोले ही नहीं है, बिजली की हालत क्या है, क्या हालत है बिजली की। क्या बिजली की हालत है अध्यक्ष महोदय? आपको सदन को यह बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया, और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन, डबल लाभ, आप सांसद भी बने और मठ के अध्यक्ष भी बन गए, आप ही मालिक भी आप ही हैं, तो परिवारवाद का असली लाभ तो आपको मिला है, हम लोगों को नहीं मिला किसी को। तो ये जो परिवारवाद है, अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमारे नेता सदन शुरुआत। राजधानी दिल्ली स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास तैयारी की जा रही है, इसमें सबसे अहम है सुरक्षा व्यवस्था। इसे लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है और पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अभी से ही राजघाट, आईटीओ और लाल किले के आसपास कई इलाकों में सख्ती बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता दिवस और इससे जुड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था,
जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास होती है, ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत गौरव का विषय है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिल्कुल प्रोफेशनल जो तरीका है, जो पेशेवर तरीका है दिल्ली पुलिस का, उसको हम लोग अपनाते हुए एक एडिक्वेट, रोबस्ट एंड फेल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट का दिल्ली पुलिस ने, हम सब ने प्लान किया है। और दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियों के साथ इन ड्यू रियल टाइम कोऑर्डिनेशन में हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, और उसी की कवायद है, उसी की हर दिन उसकी तैयारी चल रही है, और इसको पूरी तरीके से एक कंप्लीट तरीके से पोलाइट एंड फर्म रहते हुए ये हम सुरक्षा की ड्यूटी हम करेंगे। सर, किस तरह के थ्रेट्स हैं इस बार खालिस्तान को लेके? काफी थ्रेट्स बताई जा रही है सिख फॉर जस्टिस को लेके, उसको लेके किस तरह के आपने तैयारियां की हैं सर? देखिए, जो कोई भी किसी भी तरह का खतरा या अंदेशा, चाहे देश या कहीं भी और किसी भी जगह से अगर आने का की बात जो भी सामने आ रही है, उसको हम अपने सुरक्षा व्यवस्था में उस एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होगा पूरी न्यूएंस्ड तरीके से और कंप्लीट तरीके से रहेगा। हमारा आज़ादी का ये पर्व है, ये हमारे देश का फेस्टिवल है। ऑनरेबल पीएम यहाँ से झंडा चढ़ाएंगे, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। इसी के साथ हमारी जिम्मेदारी एक हो जाती है कि यहाँ पर हम जो सुरक्षा व्यवस्था है एकदम स्ट्रिक्ट रखें, बंदोबस्त एकदम पुख्ता हों। हमारे यहाँ पर बंदोबस्त दो तरीके के होते हैं, एक जो कि मौके पे हम किस तरीके से पेट्रोलिंग, अपने जो सीसीटीवी का जाल, टेक्नोलॉजी का, रूफ टॉप्स, मचान, मोर्चा, हर तरीके का स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल, और उसके बाद में एंटी सैबोटेज चेक, और उस तरीके से एक बंदोबस्त ले करते हैं। दूसरा जो हमारा इससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, पिछले 2-3 महीने से जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जनता को साथ लेकर, RWA, MWA, हमारे आईज एंड ईयर सब के साथ जागरूकता के जो हमारे कैंपेन चलते हैं कि किसी तरीके की संदिग्ध व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, वो हमें पुलिस को बताया जाए। हमारी वेरिफिकेशन ड्राइव होती है चप्पे चप्पे पे, जो कोई नया कोई शख्स आता है यहाँ जनरली वेरिफिकेशन होती है। होटल्स, गेस्ट हाउसेस, इवन सिनेमा घर हैं हमारे, जो इवन जो व्हीकल्स के लिए पार्किंग्स वगैरह हैं, हर तरीके से हर जगह चेकिंग होती है। तो वो जो 2-3 महीने से जो चेकिंग होती है उसके चलते हमारा ये अरेंजमेंट पुख्ता कर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार 11 अगस्त को पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल पीएम मोदी ने संसद में 2 घंटे 13 मिनट तक भाषण दिया, जिसके अंत में 2 मिनट मणिपुर की बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में महीनों में आग लगी हुई है, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री कल सदन में हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, ये उनको शोभा नहीं देता। विषय कांग्रेस या मैं नहीं था, मणिपुर था। Mr. Gandhi, you talked about using the army, deploying the army to control violence. You spoke that in parliament, you've repeated here. But the BJP has criticized you and even previous Congress governments, saying that we want to solve the issue through dialogue. And they've criticized that in the 60s, in 64, the Mizo National Famine Front was bombed by the Indian Army, by the Indian Air Force. So they said that, you know, they do not believe it. I have never heard in my entire career, I have never seen, I have never been told anywhere I have been in India that if you take this person as a security officer with you, we will put a bullet in his head. I have never heard it. And I heard it twice in Manipur. That means there is no dialogue in Manipur. There is pure violence taking place in Manipur. The first step is to stop the violence, put an end to it. I point out the army, but what I mean is that the Prime Minister has multiple instruments in his hands. He's not using them. It's been burning for 4 months. He's doing nothing and he's laughing. I'm amazed people can't see this, that he's sitting in Parliament and laughing.
जयराम जी, लास्ट क्वेश्चन। जयराम जी, मोहित दुबे हूँ न्यूज नेशन से। आपने 37 मिनट का भाषण, जयराम जी, राहुल जी नहीं, मतलब आप मुझसे जयराम कर रहे हैं या उनसे? राहुल जी, आप जय सियाराम। राहुल जी, आपने 37 मिनट का भाषण लोकसभा के भीतर दिया और 37 मिनट में सिर्फ आपको करीब 14 मिनट ही दिखाया गया, बाकी आपके चेहरे पे कैमरा नहीं था और आप मणिपुर गए, मैक्सिमम टाइम आपने मणिपुर के ऊपर बोला। इस परंपरा को आप किस तरीके से देखते हैं? पता नहीं, शायद कॉन्ट्रडिक्शन है। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने बोलना था, देखिए मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूँ कि मीडिया पे कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, वो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, मगर मुझे अपना काम करना है, मैं अपने काम को करता हूँ। जहाँ भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहाँ मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। हाँ, ओके, लास्ट क्वेश्चन ब्रदर। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी सेड व्हाट इट हैज इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन एज वेल एज नाउ यू नो यू आर आस्किंग फॉर द आर्मी। Do you believe that Article 356 is the only way out? I'm not asking for anything. Please don't misunderstand. It is not my place to decide which tool the Prime Minister can use, which instrument he should use. I am pointing out that there are multiple instruments that the Prime Minister has at his disposal, and he is not using a single one. I'm pointing out that Manipur has been burning now for 4 months, and the Prime Minister is in a very good mood. He's sitting in parliament, he's laughing, he's joking, his entire cabinet is in giggles. This to me seems completely insane. This has got to stop. India is burning in Manipur. Idea of India has been destroyed in Manipur. Let's rebuild it quickly. मानसून सत्र में देश के अन्नदाता किसानों के विश्व पर सदन में 3 दिवसीय चर्चा का आयोजन किया। कुल 33 सदस्यों ने बाढ़ और सूखा जैसे विषय पर सीएम योगी ने अपने विचार रखे। पिछले 1 घंटे से मैं नेता विरोधी दल के विचारों को सुन रहा था और 1 घंटे के भाषण में बाढ़ और सूखा से संबंधित मुद्दों पर सिर्फ गोरखपुर का जल जमाव याद आया और बाकी कुछ भी नहीं। राज्य में प्रवेश कर जाता था और हमारे अन्नदाता किसान उसी के अनुरूप अपनी तैयारी भी करते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष प्रारंभिक मानसून की बारिश को अगर हम छोड़ दें तो शेष मानसून की जो स्थिति है वह प्रदेश के अंदर बहुत अनुकूल और बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। महोदय, खासतौर पर अगर आज के दिन पर भी हम देखेंगे तो आधा उत्तर प्रदेश ऐसा है जिस जहां पे काफी कम बारिश हुई है और सामान्य से भी इसकी स्थिति काफी कम है, कमजोर है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए अगर हम देखेंगे पश्चिम के कुछ जनपदों में एक्सेस वाटर की बात सामने आई है, लेकिन उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये जो स्थितियां हैं यह हम लोग किसी भी स्थिति में इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही शासन स्तर पर इस पर बैठक की, अपनी एक रणनीति बनाई। प्रारंभिक समय में जो मानसून उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के अंदर एक साइक्लोन के कारण
उस क्षेत्र में देखने को मिला था। हिमालयन नदियों में उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। बाढ़ के कारण वहां पे काफी फसलों को नुकसान पहुंचा था। उसके आकलन के आदेश भी दिए गए हैं और उस पर आगे की कार्रवाई शासन स्तर पर आगे बढ़ रही है। इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति जो है और देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। महोदय, जहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का और संभवतः दुनिया का पहला ऐसा भूभाग है जहां पर 86 से 90 फीसदी भूभाग कृषि योग्य भूमि वह सिंचित है। नहरों से, सरकारी नलकूपों से और निजी नलकूपों